चंडीगढ़ के मनीमाजरा में रविवार को एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रताप गड़िया ने अपनी कविताओं के जरिए बीजेपी को आड़े हाथ लिया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने भाजपा की विभाजनकारी नीति की बात की। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। कितनी नींदें कुर्बान की इसके ख्वाब को ताबीर में उतारने के लिए, तब जाकर के चंडीगढ़ बना है। और मैं खुशनसीब मानता हूं आप लोगों को भी, क्या देता हूं मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। चंडीगढ़ वालों, आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में गया तो ये सोच के गया कि बड़ी तादाद में मुसलमान मिलेंगे, ये सोच के गया कि बड़ी तादाद में हिंदू भाई मिलेंगे, लेकिन जब चंडीगढ़ आ रहा था तो रास्ते भर ये सोच रहा था कि बड़ी तादाद में इंसानों से मुलाकात होगी, ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जिनकी अपनी तहजीब है, जिनकी अपनी परंपरा है, जिनकी अपनी संस्कृति है। मैं नेहरू जी के, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मेरी आंखों ने देखा है लखीमपुर में कुचले गए किसानों को, मैं शामिल रहा हूं उन जनाजों में जब सीए के नाम पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पुलिस की गोलियों ने शहीद किया माओं के बेटों को, मैं शामिल रहा हूं ऐसे तमाम मरहलों में जब कांग्रेस पार्टी अलल ऐलान खड़ी हो गई जुल्म के खिलाफ, और उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की फासिस्ट सोच के खिलाफ हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। मैं उन लम्हों का भी गवाह रहा हूं कि जब हाथरस में एक दलित बेटी के रेप के बाद रात के 2 बजे उसकी लाश को जबरदस्ती जला दिया, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भाजपा सरकार के इशारे पर कोई बात तक करने को तैयार नहीं था। ऐसे में मैं उन लम्हों का गवाह हूं कि जब प्रियंका जी और राहुल जी ने कहा कि इस देश में कहीं भी किसी भी पिछड़े अल्पसंख्यक दलित किसी पर भी जुल्म होगा तो कांग्रेस खड़ी होगी, और मुझे वो लम्हा याद है जब राहुल जी अपने पूरे काफिले के साथ हाथरस जाने के लिए निकले, मैं उस काफिले में साथ साथ था, वैभव यहां है, वैभव शायद साथ थे। मुझे याद है कि नोएडा के एक्सप्रेसवे पे चढ़ने से पहले हमारी गाड़ियां रोक ली गई तो राहुल जी गाड़ियों से उतरे और उन्होंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ को यह लगता है कि गाड़ियां रोक लेने से हमें मजलूम तक पहुंचने से रोक लेंगे तो वो मुगालते में है। और मेरी आंखें साक्षी हैं उस बात की कि जब एक्सप्रेसवे पर 44 डिग्री टेम्परेचर में तपती दोपहरी पर 17 किलोमीटर मुसलसल पैदल चलते रहे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हम लोग साथ साथ चल रहे थे। बाद में उनको डिटेन किया गया। मैं शायर हूं, आप मेरी जो पहचान मानते हैं वो बतौर शायर मानते हैं, लोग मुझसे सवाल करते। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।